हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाका एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन एल्गोरिदम। और इसको हम ग्रीडी एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, यानी ग्रीडी एल्गोरिदम के एग्जांपल के साथ। यानी जैसे अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एक्सप्लेन ग्रीडी एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल वहाँ पर लिख सकते हो। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ प्रॉफिट है 7, और जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी है, और डेडलाइन की जो वैल्यू है वो भी आपको दी है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। ठीक है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सेट, यानी यहाँ पे हमें सेट फाइंड आउट करना है, तो जो सेट हम फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे डेडलाइन का नंबर हमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जो सेट हम फाइंड आउट करेंगे उस सेट में डेडलाइन का नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और डेडलाइन का नंबर हमें सिक्वेंशियल फॉर्म में हमारे सेट में चाहिए, इसीलिए इसको जॉब सिक्वेंसिंग बोला है। यानी डेडलाइन के जो नंबर हम लेंगे वो रिपीटेड तो नहीं चाहिए सेट में, लेकिन उसका सिक्वेंस भी चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें डेडलाइन के नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको लिखनी है, फर्स्ट वी अरेंज ऑल जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको नंबर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हमें अभी इसको अरेंज करना है, हमें हमारे जो जॉब्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने प्रॉफिट को नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे जो ज्यादा वेट है जिसका वो हम पहले लेंगे। तो जैसे P7, तो यहाँ पे आपको लिखना है P7। ठीक है, देन आएगा आपका P3, तो P3। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका P3 के बाद P4। तो ये हमने प्रॉफिट अरेंज किए हैं P7, P3, P4, P6, P2, P1, P5, और उसके अकॉर्डिंग उसके वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे हमें डेडलाइन भी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट अरेंज करनी है। जैसे पहले प्रॉफिट हमारा आया था P7, तो हमारी डेडलाइन भी D7 आएगी। P3 यानी D3, P4 यानी D4, और उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको आपके जॉब जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट, और उसके बाद वो जो प्रॉफिट हमने अरेंज किए हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमें डेडलाइन भी अरेंज करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सेट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्टली हमारा सेट एम्प्टी रहने वाला है, बराबर है, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी ही यानी सेट लिखना है एम्प्टी। नेक्स्ट स्टेप है, लेट एस इज द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच इज इनिशियली एम्प्टी, दैट इज एस इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेट में अभी कोई भी नंबर नहीं है तो वो इनिशियली एम्प्टी रहने वाला है। अभी हमें प्रॉफिट सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट प्रॉफिट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है 30, तो फर्स्ट जॉब हमारा सिलेक्ट होगा 7 नंबर वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब 7 इज एडेड टू एस बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट प्रॉफिट, सो एस इक्वल टू 7 इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्यों है? अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, रफली एक सेट लिख लेना है, जैसे एस इक्वल टू हमने कौन सा जॉब सिलेक्ट किया था, 7। 7 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 30, बराबर है। तो यहाँ पे 30 लिख दिया है, और एक रफली एक सेट लेना है जो कि रहेगा आपका डेडलाइन के लिए। एक और सेट आपको लिख लेना है जो आपका रहेगा डेडलाइन के लिए। ये वाला सेट था आपका प्रॉफिट के लिए, बराबर है, ये सेट था प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की वैल्यू थी 30 और उसकी डेडलाइन है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, बराबर है। यहाँ पे हमारी डेडलाइन का नंबर आएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉफिट कौन सा है, नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट, तो नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट है 20 जिसका नंबर है 3। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेट लिखेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जॉब हमने ऐड किया है एस में, जो जॉब की वैल्यू थी 20, बराबर है। तो नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट हम ऐड करने वाले हैं एस में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट था 7 जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 30, बराबर है, जिसकी वैल्यू थी 30। अब नेक्स्ट प्रॉफिट की वैल्यू है 20, लेकिन उसका और उसका जो डेडलाइन नंबर है वो 4 है। पहले हमारे पास जो हमारे डेडलाइन का सेट था उसमें 2 था, तो 4 हमारा 2 के बाद आएगा, बराबर है। सीक्वेंस वाइज चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो डेडलाइन है उसका सीक्वेंस यानी जॉब सीक्वेंसिंग नाम ही है, तो उसका उसके जो नंबर है वो सीक्वेंस वाइज हमें लेने हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद 4 आएगा, तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट का जो नंबर है 3, तो वो भी हमारा, जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 के बाद हमारा 3 आएगा। यहाँ पे हमारे सेट में 7 था, बराबर है ना, तो यहाँ पे 7 नंबर प्रॉफिट नंबर, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट नंबर नंबर एस में, बराबर है ना, तो वो 3 आएगा यहाँ पे 7 के बाद। तो यहाँ पे आपको लिखना है 7, 3।
ठीक है, 7.3 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे डेडलाइन का जो फर्स्ट P7 जो प्रॉफिट हमने पहले सिलेक्ट किया था उसका नंबर था 2, तो वो हमने पहले लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट हमारा 20 है, उसका डेडलाइन नंबर है 4, तो वो 4, क्योंकि डेडलाइन की वैल्यू, नंबर नहीं सॉरी वैल्यू, हाँ तो वैल्यू, तो डेडलाइन की वैल्यू है 4, तो वो 4 मैंने यहाँ पे लिखी, इसीलिए हमारे प्रॉफिट का जो नंबर है वो भी हमें उसी ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट डेडलाइन जो थी उसका 7 नंबर था प्रॉफिट का, तो वो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, और अभी नेक्स्ट प्रॉफिट का नंबर है 3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला, तो इसीलिए, और हमारे डेडलाइन का नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन, तो इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट कौन सा है अभी हमारे पास, 4.18 बराबर है प्रॉफिट 4, तो वो स्टेप अभी लिख लेते हैं हम। जॉब 4 इज एडेड टू एस बिकॉज इट हैज नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट, सो एस इक्वल टू, अब नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट क्या है, वैल्यू 18, यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 20 आया था, अभी 18 आ गया, बराबर है, अभी यहाँ पे आया 18, अब उसका प्रॉफिट का नंबर था हमारे पास क्या नंबर है, 4, बराबर है 4, अभी उस 4 का जो डेडलाइन है, डेडलाइन का नंबर क्या है 3, बराबर है ना, तो हमें 3 लिखना है डेडलाइन यानी सेट में, डेडलाइन वाले सेट में 3, तो अभी 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, बराबर है ना, सिक्वेंशियली चाहिए तो यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, तो जो हमारे प्रॉफिट का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर क्या था 4, तो 4 भी हमारा यहाँ पे 7 और 3 के बीच में आएगा 4 भी, तो यहाँ पे आपको आपका सेट होगा 7, 4, 3, तो ये सेट आपको यहाँ पे लिखना है 7, 4, 3, ठीक है, तो इसलिए रफ में आपको ये डेडलाइन वाला सेट लिखना ही है, डेडलाइन के जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग, बराबर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा आपका 7, 4, 3, डेडलाइन में नंबर रिपीटेड नहीं है, तो ये भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा, बराबर है ना, इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट आपका है 6, यानी P6, जॉब 6 इज सिलेक्टेड, जॉब 6 इज एडेड टू एस बिकॉज इट हैज नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रॉफिट, बराबर है, क्या था उसका लार्जेस्ट प्रॉफिट हमारे पास 6 था, उसका नंबर भी 6 ही है, इसीलिए मैंने जॉब 6 सिलेक्ट किया। अब जॉब 6 जो है उसका जो डेडलाइन नंबर है वो है 1, यानी डेडलाइन की वैल्यू, बराबर है, डेडलाइन की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे सेट में डेडलाइन वाला जो सेट है तो 1 कहाँ पे आने वाला है, स्टार्टिंग में, बराबर है, तो हमारा सेट है 1, 2, 3, 4, तो जो प्रॉफिट का नंबर है वो भी स्टार्टिंग में लिखना होगा आपको, तो 7 के पहले, तो आपका सेट क्या होगा 6, 7, 4, 3, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 6, 7, 4, 3, बराबर है, और जो डेडलाइन का नंबर है वो रिपीटेड है क्या, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन, इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट प्रॉफिट कौन सा है हमारे पास, 5, जिसका नंबर है 2, अब इसकी डेडलाइन क्या है 3, बराबर है, डेडलाइन क्या है इसकी 3, हमारे सेट में 3 डेडलाइन ऑलरेडी है, तो इसीलिए ये जॉब है ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे जॉब 2 इज कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड बिकॉज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉफिट है हमारे पास 1, जिसकी वैल्यू है 3, उसकी डेडलाइन है 1, और 1 डेडलाइन भी ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो भी रिजेक्ट होगा, बराबर है, यानी नेक्स्ट भी हमें लिखना है रिजेक्टेड। लास्ट प्रॉफिट है हमारे पास 5, जिसकी वैल्यू है 1, उसकी डेडलाइन है 2, 2 डेडलाइन भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो भी हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट दोनों स्टेप हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जॉब 1 एंड जॉब 5 दोनों रिजेक्ट होंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारी होंगी, हेंस एस इक्वल टू 6, 7, 4, 3, जो सेट हमें मिला था, हमने यहाँ पे रफली फाइंड आउट किया था 6, 7, 4, 3, वो लिखा है, उसके वैल्यूज लिखे, उसके एडिशन, और वो हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, कि आपके सेट में जो डेडलाइन के नंबर्स है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, अगर रिपीटेड होते हैं तो उसे आपको रिजेक्ट करना है, वो नंबर आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में ही लिखने हैं, जिस सिक्वेंशियल फॉर्म में आप डेडलाइन के नंबर लिख रहे हो उसी सिक्वेंशियल फॉर्म में आपको प्रॉफिट के नंबर लिखने हैं, ठीक है, और जो जो प्रॉफिट आपके सेट में आए हैं उसकी वैल्यूज के एडिशन कर दीजिए, और वो हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हो गया आपका जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइन एल्गोरिदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।